हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव विथ व्हाट यू लव DYS डेकोर योर होम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट क्रिसमस ट्री के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने ये नर्सरी से लिया है क्रिसमस ट्री। आज इस क्रिसमस ट्री को हम प्लांटिंग करेंगे और इसकी टेकिंग केयर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस ट्री आपको किस प्राइस में मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, और इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इस प्लांट को कैसी सॉइल पसंद है, और इसके अलावा इस प्लांट की वाटरिंग, सनलाइट, सभी कुछ के बारे में इस वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्रिसमस प्लांट की, जो हमने नर्सरी से लिया है, उसकी प्लांटिंग पे। तो ये जो प्लांट है मैंने लिया है, अब सबसे पहले मैं आपको इसकी प्लांटिंग पे चलते हैं। तो आपको इसे जो प्लांट मैंने लिया है, इसकी मिट्टी को जो है कुछ इस तरह इसको करके आपको इस प्लांट को बड़े ही आराम से इसको बाहर निकालना है। इसे इस प्लांट को मैं बाहर निकालता हूँ। प्लांट करीब हो गया है, ओके। मैंने अपना पॉट लिया है, ये प्लांट मेरा मीडियम साइज़ का प्लांट है तो मैं मीडियम साइज़ का पॉट ले रहा हूँ। पॉट के अंदर जो सॉइल इसमें यूज़ लेनी है, ये जो प्लांट है इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है तो मैं इसमें रिवर सैंड यूज़ ले रहा हूँ। तो आप भी इसमें रिवर सैंड यूज़ ले सकते हैं। मैं इसका सरफेस जो है वो सैंड से कवर कर देता हूँ। सरफेस सैंड से कवर करने के बाद प्लांट को मैं निकालता हूँ। प्लांट को आपको बड़ी आराम से निकालना है इसमें, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट्स है वो टैप स्टाइल में होती है, तो रूट जितनी कम डैमेज हो उतना ही बेटर है। प्लांट को मैंने निकाल दिया है और अपने नए पॉट में मैंने इसको पॉट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है सॉइल डाल देता हूँ। सॉइल से आपको इसको पूरा फिल कर देना है। मैंने इसके अंदर सॉइल डाल दी है। इसके ऊपर करीब मैंने 1 इंच की जगह खाली रखी है ताकि मैं इसको वाटरिंग कर सकूं और फर्टिलाइज़र देते समय मुझे प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इसकी करीब 1 इंच की जगह खाली रखी है। आपको भी अपने जो पॉट है उसके अंदर करीब 1 से 1.5 इंच की जगह खाली रखनी है। अगर आपका मीडियम पॉट है तो आपको 1 इंच की, और अगर बड़ा पॉट है तो आपको 1.5 से 2 इंच की जगह खाली रखनी है। हमने हमारा प्लांट प्लांटिंग कर दिया है, अब मैं इसको वाटरिंग करता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं इसकी टेकिंग केयर के बारे में। प्लांट की प्लांटिंग कर दी है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ये प्लांट आपको नर्सरी में 40 रुपये से लेकर करीब 300-400 रुपये तक मिलता है। प्राइस की एक रेंज है, रेंज इसलिए क्योंकि ये प्लांट छोटे से लेके स्मॉल साइज़ से लेके लार्ज साइज़ का आता है। मैंने ये मीडियम साइज़ का लिया है जो करीब 120 रुपीज़ का है। आपको मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इसमें अगर जहाँ तक हो सके मीडियम साइज़ क्रिसमस ट्री ही लें, ज़्यादा छोटा भी नहीं लें क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। ये करीब 1 साल में 10 इंच या 1 फुट का ही ग्रो करता है, तो आप इसको मीडियम साइज़ का लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जी नहीं, इस प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत मुश्किल है। ये जो है मेनली सीड से लगाया जाता है। मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इस प्लांट को कटिंग से लगाने की बजाय नर्सरी से ही परचेज करें। सीड से लगाने में भी इसको काफ़ी समय लगता है। जिस टाइप का आपका पॉट प्लांट है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, उसी टाइप का आपको पॉट लेना। अगर आप बड़ा प्लांट ले रहे हैं तो उसके लिए पॉट भी आपको 10 से 12 इंच का लेना है। मैंने ये मीडियम साइज़ का प्लांट लिया है इसलिए मैंने इसको मीडियम साइज़ के पॉट में किया है। जब इसकी थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी तो मैं इसको 10 से 12 इंच के पॉट में प्लांट कर दूँगा। जी हाँ, आपको प्लांटिंग करते समय ध्यान रखना है कि इसकी रूट डैमेज ना हो, क्योंकि इसकी जो रूट है वो टैप स्टाइल में होती है, सीधी होती है, तो उनमें फिर डैमेज होने के बाद इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसकी रूट डैमेज नहीं हो। अब बात करते हैं इस प्लांट की वाटरिंग की। आपको इस प्लांट को जो है गर्मियों के अंदर दिन में 1 बार वाटर करना है और इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। अगर आप वाटर करने से पहले चेक कर लें कि इसकी सॉइल जो है वो अगर गीली है तो आप इसको वाटर नहीं करना है। वाटरिंग के बाद आते हैं सनलाइट। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद है, इसको आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखनी है, जहाँ पे 3 से 4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। आप इसको बालकनी में रख सकते हैं और आप इसको विंडोज़ के पास रख सकते हैं। अगर आप इसको आउटडोर में लगा रहे हैं तो आपको ये सर्टेन करना है कि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, अदरवाइज प्लांट के जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हाँ, आप इसको प्लांट करते हैं ज़मीन के अंदर अपने गार्डन में, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये आउटडोर में अच्छे से ग्रो करेगा। बस आपको जब बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी होती है तब आपको इसको किसी कपड़े से कवर करना है या उस जगह को आपको ऊपर से इसको कवर करना है ताकि इस पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, अदरवाइज इसकी जो आगे की लीव्स है ये येलो और ब्राउन होने लग जाती है। इस प्लांट को वाटरिंग भी आपको बैलेंस वाटर करना है, अगर आप इसको ज़्यादा वाटर या कम वाटर करेंगे तो आपको ये प्लांट इंडिकेट देता है इसकी जो लीव्स की आगे का पोर्शन है ये ब्राउन और येलो होने लग जाता है, तो आप इसको वाटरिंग करते समय विशेष ध्यान रखें कि इसको बैलेंस वाटर ही करना है। अब आते हैं इसकी फर्टिलाइज़र के बारे में। इस प्लांट की जो ग्रोइंग सीज़न है वो करीब मार्च से अक्टूबर है, ये गर्मियों के सीज़न में ही ग्रो करता है, अप्रैल मई जून मार्च में ये ग्रो करता है। तो बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। ये प्लांट जो है वो समर्स में ग्रो करता है, तो आपको इसको समर में ही इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है। आप इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, ये इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिव विथ व्हाट यू लव।